हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एकदम डिफरेंट चीज़ लेकर के आए हैं, कुकीज़। कुकीज़ सब लोग बहुत लाइक करते हैं, चाय के साथ, दूध के साथ, एनी टाइम कुकीज़ खाई जाती हैं और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको तीन तरीके कुकीज़ बनाना सिखाएंगे। इसमें हमने बनाई है, सबसे पहले हम लेंगे नारियल की कुकीज़, फिर लेंगे चेरी वाली कुकीज़ जो बच्चे बहुत ही लाइक करते हैं, और थर्ड नंबर पर है चोको चिप्स कुकीज़। ये बनाने में बहुत ही आसान है, इसको हम मिनटों में घर पे तैयार कर सकते हैं और गर्मा गर्म बना के, फ्रेश बना के घर पे खा सकते हैं। फ्रेंड्स, कुकीज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी गेहूँ का आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं या 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं। 1 कटोरी मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 4 चम्मच मैंने नारियल का बुरादा लिया है, 2 चम्मच मैंने चेरी ली है, 2 चम्मच मैंने चोको चिप्स लिए हैं, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1/2 कटोरी बटर लिया है, इसमें हम शुगर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से बटर में शुगर मिक्स हो गई है। अब हम आटा डाल लेंगे। चौथाई चम्मच हम बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे और आटे को बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे। थोड़ा सा दूध डाल दूंगी मैं इसमें। दूध हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आटे को लगाने के लिए डालना है। देखिए फ्रेंड्स, आटा लग के तैयार है। हम इसको 3 पार्ट में कर लेंगे। चोको चिप्स डाल देंगे, चेरी डाल देंगे, नारियल का बुरादा डाल देंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आटा हमने लगा लिया है, तीनों तरीके का आटा हमारा तैयार है। अब हम इसमें से छोटा छोटा आटा लेंगे, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, इसको गोल कर लेंगे और जैसा चाहें आप चौकोर या गोल बिस्किट की शेप दे देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से गोल बना लिया है इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमने कुकीज़ की शेप दे दी है, अब हम इनको बेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम सेपरेटर में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और इसमें सभी कुकीज़ को हम रख देंगे। मैंने सारी कुकीज़ सेपरेटर में लगा दी हैं, ओवन गरम होने रख दिया है। फ्रेंड्स, मैंने सेपरेटर को ओवन में रख दिया है। अब हम 2 मिनट के लिए गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और फिर लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हमें 15 मिनट तैयार करना है, बेक करना है। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार देखते हैं। देखिए, कुकीज़ बन के रेडी हो गई हैं। अभी गरम बहुत तेज़ है, इसलिए हमें इसको हाथ नहीं लगाना है, हम वैसे ही देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल तैयार हैं कुकीज़, अच्छे से फूल गई हैं। अब इनको ठंडा करने रख देंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, कुकीज़ ठंडी हो चुकी हैं, हमने अलग बर्तन में निकाल ली हैं और देखिए बहुत अच्छे से बेक हो चुकी हैं ये। अब आप चाय के साथ, दूध के साथ, किसी के साथ भी कुकीज़ खा सकते हैं, बच्चे बहुत ही लाइक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ ट्राई करें, टेस्ट करें और कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।